ओके अभी जो है दैट इज़ थर्ड पार्ट है चैप्टर नंबर 16 12th स्टैंडर्ड, और उसके अंदर हम थर्ड पार्ट आगे के साइड में हमने बता दिया दैट इज़ पु ल देश पांडे। ये एक मराठी लेखक है एंड ये मराठी लेखक जो है उसके बचपन की सारी बातें हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, और उसके अंदर ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी लाइफ है उसमें भी बचपन थे, उसकी लाइफ में भी बचपन था, और किस तरह से उसने अपने लाइफ के अंदर मस्ती की है, फ्रेंड लोगों के साथ में खेले कूदे बड़े हुए। थोड़ी हमें यहाँ पर हिंट मिल रही है, वो है बॉम्बे के बारे में, जोगेश्वरी एरिया के बारे में। तो बात कर रहे हैं हम अब जोगेश्वरी का एरिया, वहाँ पर क्या और किस तरह से एटमोसफियर था उसके बारे में बता रहे हैं। ये लाइव है ना? ओके। जोगेश्वरी ना कॉलोनी ने आसपास जंगल हुआ थी, दो चीज़ का हमेशा डर रहता था, एक था सांप और दूसरा था वो था चोर। दो लोगों से हमेशा डर रहता था, जैसे रात शुरू हो जाती तो रात के समय काफ़ी सारी परेशानी हो जाती, चोर आएंगे और पता नहीं, हम इतना छोटा सा हमारा एरिया था तो उसके कारण से कौन हमें बचाएगा। और हम उस वक्त, हमें ये जो सरस्वती कॉलोनी है, सरस्वती बाग है, सोसाइटी वालों ने हमें घर अलाउ नहीं किया था, बाद में आगे चलकर उसने हमें सोसाइटी के अंदर रहने के लिए घर दिया, पर चोर का एक टेंशन रहता था, रात हो जाती करीबन 6-7 बजे के आसपास को अंधकार भी हो जाता एंड स्नैक का प्रॉब्लम होता। तो जोगेश्वरनी आ कॉलोनी आसपास जंगल हुआ थी, सांपनो अने थोड़ो घणो चोरनो पर उपद्रव रहतो। आ चोर थी बचवा माटे रात्रे पहरो देवा माटे उस वक्त वहां पर दो चौकीदार जो कि पठान थे, ए बे पठान चौकीदार हता, तेमानु एक नु नाम मने आजे पण याद छे, उसका नाम है कादर खा, हुं एने क्यारे भूली नहीं शकू। ए वक्ते रेडियो आव्या नहोता, रात पड़ी नहीं, अने तमरा जिसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई, वो ट्रांसपरेंट विंग होती है, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ता रहता है, ए तमरा सिवा बीजा कशनो पण आवाज ना आवे, बस आवाज एकदम साइलेंट, फक्त जती आवती रेलगाड़ी छुक 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 गाड़ी है उसका आवाज आता, अने ते पण कोई आजनी जेम मिनिटे मिनिटे नहीं आते थे, कभी कभी आती और जो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होता था, तो दूर से हमें वो रेलगाड़ी की आवाज़ सुनाई देती, तमरा की आवाज़ सुनाई देती। नौकरी ने कारण हमारा बापू ने सतत परगाम फरवानू रहतु, अथी घर के अंदर कौन थे तो हम सिलेक्टेड लोग, एक तो थी बा, बीजी मारी मोटी बहन जेनु नाम हतु वच्छी ताय, हमें त्रण भाई उसमें से एक मैं यानी कि पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे, दूसरा मारा थी 2 वर्ष नानो एनु नाम हतु उमाकांत, अने तीसरा जो था वो घोड़िया यानी कि जो झूला होता है कैडल जिसको हम कहते हैं, एमा सूतो रमाकांत। तो पुरुषोत्तम, उमाकांत, रमाकांत, बड़ी बहन वच्छिता है और मेरी बा यानी कि मैं अपनी मम्मी को बा कहता था, तो बा हम 4 लोग थे, पापा आते जाते रहते, इस हिसाब से काउंट करें तो 5 लोग थे। सोसाइटी ना दरवाजा ने अड़ी ने आवेलो एक पतरानो शेड एक था, वहां पर हम रहते थे, पाछल थी हमने सोसाइटी ए ब्लॉक में जगह आपी, पर रात्रे बहुत सुमसान थी जाए, पेट में बीकनो आफरो चढ़े, यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई, दैट इज ऑफरो लिखा है, एक्चुअली आएगा वर्ड इज अ आफरो चढ़े, आफरो मतलब गैस हो जाता था, डर होता था पता नहीं क्या होगा, स्नैक निकलेगा, चोर आएगा, कोई पता नहीं क्या हो जाए, तो डर ने कारण है आफरो खड़ा हो जाता। घर में होए तो फानस मतलब जो लालटेन होता है टम टमतू हो, अजवाड़ू हो, ये आवे ने दूर क्या थी कादर खान जे छे पठान हमारा चौकीदार, वासली बहुत जोरदार वगाड़ दो, एना सूर रेला था अने ए हमने हृदय में हाँ मापतो हतो। आ कादर खान हम तो देखा मां खूब ज कदावदार, हट्टा कट्टा बॉडी वाला, दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, देख के डर लग जाता, पर हाँ उसकी वासली इतनी सुमधुर और मीठी थी कि हम उसका कदावरपणू एनु क्याय पर डरामू लागतु न हतु। हम स्कूल में थे तो हमारे सर थे, उसका नाम था गोखले मास्टर। गोखले मास्टर हमेशा हमें रविन्द्रनाथ टैगोर की वो कहानी थी ना काबुली वाला, उसमें भी एक पठान आता था, जब भी वो कहानी सुनाना शुरू करते हमें वो काबुली वाला और काबुली वाला बात बोलते तो तुरंत ही हमें वो हट्टा कट्टा कदा वाला दाढ़ी वाला जो था वो कादर खान याद आता, यानी काबुली वाला कादर खान, कादर खान काबुली वाले बन जाता। वार्ता ए पछी जारे पहली वार वाँची ત્યારે અમને બાળકોને વાંસલી વગાડીને બતાવનાર કાદર ખા એ આંખ સામે આકે ખડા હો જાતા થા। અમુ બાળકો એની એક કરવારીમાં હંમેશા જાકે ઉસકો બોલતે થા કાદર ખાન વગાડ રે વગાડ, તારી વાંસલી વગાડ,
और वो बजाता। ये बगाड़ तो कादर खान रात ना वक्त हमारा मन ने हाम शांति देता था। ये वासुड़ी वालो थोड़ा समय बाद सोसाइटी माथी अलोप मतलब गायब थई गयो। त्यारे अमे जे बीजा पठाण हता एने पूछ्यु के भाई आ कादर खान किधर गयेला है, तो बोला कि भाई वो तो अपने मुलक गयेला है। और इस तरह से हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मित्र कादर खान वो हमसे अलग हो गया। सुर प्रत्यनु मारु खेचाण, अब बात कर रहे हम घर के अंदर मेरे को आर्ट में कला में उसमें कैसे इंटरेस्ट आया। सुर प्रत्यनु मारु खेचाण छेक बालपण थी ज रही। मारी बा अंडरलाइन करेंगे हम यहाँ पर कि मारी बानो अवाज एकदम खुल्लो अने सुरीलो, गायन साथे वांचन पण मंगळेलू। माँ मुझे गाना गवाती थी, उसका आवाज से मैं कॉपी करता था, उसके जैसा सुर और सलय में मैच करता था। पर मेरे जो नाना जी थे वो बहुत अच्छे थे, सद भक्ति मंदिर नी भक्त मंडली थी और वहाँ पर मराठी भाषा के बुक आती थी दो, एक का नाम है हरि विजय और दूसरा का नाम है पांडव प्रताप, ये वगैरह एनी पास बैसी ने वाँचता। मारा नानपणना सुख साथे ना आ सुरनो खूब ज नजीकनो नातो रह्यो। सवारे बारणे एक तारो वगाड़तो भिखारी पण क्यारेक आवतो, तो भिखारी हाथ में एक तमूरा जैसा होता है, सितार जैसा होता है, उसमें एक ही स्ट्रिंग रहती थी, एक ही तार रहती थी, वो आके बजाता था, भिक्षा मांगता था। और वो ज़्यादातर मराठी महाराष्ट्र के अंदर जैसे राजस्थान में गुजरात में मीराबाई प्रचलित है एक भक्त कवि, उसी तरह से प्रेमाबाई बहुत ही प्रसिद्ध कवियत्री थी, उसके भजन मराठी में बहुत चलते थे। तो प्रेमाबाई ना भजनों गाता અને એટલું સરસ મજાનું ભજન ગીત હોય તો અમે એને વારંવાર એને ગવાડતા કે મારા રામને કોઈ લઈ આવો રે, એ મારા રામને કોઈ લઈને આવો રે, અમે વારંવાર વગાડતા ગવડાવતા અને ખૂબ જ મજા લેતા। આમ મારા જીવનની અંદર સંગીત સુર ભક્તિ અને ઘરની અંદર ક્યાં ડર અને ક્યાં નિડરતા આવી। મુસલમાન વ્યક્તિમાં પણ અમે સુરીલી વાસલીના સુર શોધતા હતા, ડરમાં પણ અમે તમરાનો અવાજ અને રેલગાડીનો છૂકછૂકનો અવાજ પણ માણતા હતા। આમ જીવનની અંદર આ પણ એક નાનપણનો અનુભવ હતા જે અમે કાદર ખાન પાસેથી, મારી બા પાસેથી, મારા નાનાજી પાસેથી મેં પ્રાપ્ત કર્યો, વો અમને